हमारे बीच में हड़ताल है। आज 4 बजे हो गया ग्रामीण सफाई कर्मचारी और जीत का हौसला लेकर के आई तमाम उपस्थित आशा वर्कर्स बहनों, आपके हौसले को, आपके जज्बे को आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा की तरफ से, सीआईपीयू हरियाणा की तरफ से मैं सलाम करती हूँ। आप जिस हौसले के साथ लड़े हो वो काबिले तारीफ हो। और आप ये केवल के दिन नहीं लड़े, 8-5 साल से लड़ रहे हो। जब 2018 में हमारी बढ़ोतरी हुई थी तो 2018 की बढ़ोतरी के बाद सरकार को हमारी यूनियन खटकने लगी थी। 5 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते। हम इस बात के लिए लड़े कि हमारी यूनिटी को कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। हमने उस यूनिटी को बना के रखा, बचा के रखा और एक 5 साल जो है तमाम सरकारी अमले तमले ने कोशिशें की कि आशा वर्कर्स की एकता को किसी तरीके से तोड़ा जाए। ये बहुत बेहतर शानदार बात है और तमाम आंदोलनों के लिए एक सीख है कि हरियाणा की आशा वर्कर्स ने एक नई मिसाल कायम की कि 5 साल के अंदर आपके जज्बे को कोई नहीं तोड़ पाया। सरकारी अमला तबला कहता रहा, आशा की यूनियन जो है कमजोर पड़ गई। आपको तोड़ने की कोशिशें की, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, लेकिन आशा का जो भरोसा अपनी यूनिटी पे है, अपने लाल झंडे पे है, वो काबिले तारीफ है। आशा को प्रदेश में ये समझ में आ गया है, ये समझती है प्रदेश की आशा वर्कर्स कि ये लाल झंडा जो है यही हमारी मांगों का प्रतीक है, यही शोषण मुक्त समाज की मुक्ति का रास्ता है। इस लाल झंडे का रंग जो है मजदूरों के खून से लाल हुआ है। इसमें जो सीआईटीयू लिखा गया है वो सेंट्रल और ट्रेड यूनियन, पूरे देश के दुनिया के मजदूरों का केंद्र। इस देश में जो है मजदूर और किसान बेहतर से बेहतर निर्माण करते हैं। किसानों की दराती का निशान है इस लाल झंडे के ऊपर, जो तमाम दुनिया के देश के किसानों का को एक होने का संदेश देता है। और इसी झंडे के ऊपर मजदूर के हथौड़े का निशान है जो मिलकर के आने वाले समय में क्रांति करेगा। पहले भी क्रांतियां की है, ये जो विचार है इस देश का जो विकास है वो किसान और मजदूर मिलकर करते हैं और हम उन किसान और मजदूर के परिवारों से हैं। हमें अपने लाल झंडे की अहमियत समझ में आती है, इसलिए हमने ये लाल झंडा पकड़ रखा है। और ये लाल झंडा जो है आज तक इतिहास बना दिया इस लाल झंडे ने, 2009 से लेके 2023 तक हमेशा जीत के आया है, कभी भी ये जो है हार नहीं है। याद करो 2009 का वो सफर जब आप 100 रुपए से 125 रुपए से 150 रुपए से आपकी शुरुआत हुई, आपके सीआईटीयू के साथियों ने गांव-गांव जाकर के पीएचसीओ में जाकर के आपको संगठित किया, आपको एक विचार दिया, आपको संघर्ष का रास्ता बताया, सुझाया। याद कीजिए उस सफर को, हम 2009 में कहां से चले थे, 2013 में कहां पे थे, हम 2014 में कहां पहुंचे और 2018 में कहां पहुंचे और आज 2023 में हम एक बार फिर से जीत करके आए हैं। और पूरे के पूरे मजदूर किसान कर्मचारी आंदोलनों के लिए जो है एक नया संदेश अपने साथ लेकर के आए और ये संदेश देना चाहते हैं जिसको सरकार छुपाना चाहती है, ये संदेश सरकार छुपाना चाहती है। इस जीत को जीत नहीं दिखाना चाहती है, लेकिन हम समझते हैं कि हम जीते हैं। हम वॉलंटियर हैं, वॉलंटरी वर्क है। केंद्र सरकार ने बहुत सोच समझ करके पॉलिसी बनाई है, महिला को महिला की सेवा की के लिए लगाया है। जब महिला को महिला की सेवा के लिए लगाया, आपका कोई पैसा नियुक्त नहीं किया था, सेवा है।
फ्री में करनी है। बता दिया 125 से 100 रुपए से 25 रुपए से शुरू हुआ था 2005 में ये सफर, और आज ये 6100 रुपए फिक्स पे पहुंचा है और कुल मिलाकर के 11800 रुपए पे पहुंचा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और हम जो है 21000 तो हरियाणा के अंदर आशाएं हैं, पूरे देश में 1,000,000 आशा वर्कर्स इसी एक झंडे के नीचे हैं और एकतापद होकर के संघर्ष कर रही है। और आपने जो संदेश और जो संघर्ष जो रास्ता चुना है, आपके चुने हुए रास्ते पे देश की आशा वर्कर्स आपके पीछे पीछे 2013 से चल रही है। हमने जो है लड़ कर के इसी झंडे को लेकर के 2014 में कितने पैसे फिक्स कराए बताओ? 500। पहले 500, फिर चुनाव के मौके पे 1,000 और 2018 में 4,000। हमारी जो पॉलिसी है वो कोई कर्मचारी की पॉलिसी नहीं, हम किसी श्रेणी के मजदूर नहीं, हम वॉलंटियर शब्द सरकार ने इस्तेमाल किया है। बड़ी चालाकी के साथ हमारी मेहनत की चोरी सरकार ने की है और वो मेहनत की चोरी हरियाणा की आशा वर्कर्स को समझ में आ गई है। इसीलिए जो है, और ये समझाने वाला कौन है, ये लाल झंडा है और अब हमें समझ में आ गई, हमने ये झंडा उठाया है उसी दिन से हम लगातार जीतते आ रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये काम जो हमें दिया है सरकार ने, ये काम स्थाई है, ये रोजगार भी सफाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हमारे संविधान के अधिकार के अनुसार पहले जब हम 2013 में थे, जब मांग कर रहे थे, जब आंदोलन लड़ रहे थे, उस वक्त न्यूनतम वेतन जो है हमारे संविधान के अनुसार 8100 रुपए होता था। उस वक्त में हमें 500 रुपए की बढ़ोतरी मिली थी, वो 2014 में कुछ बढ़ा, हमारे 1,000 रुपए बढ़े। वो हर समय जो है रिवाइज होते हैं न्यूनतम वेतन के आंकड़े, और वो रिवाइज होते होते 2018 में कितने मांग रहे थे हम, याद आ गया? पक्का 18,000 मांग रहे थे और हमें कितने मिले थे? 3,000 फिक्स, 500 रुपए राज्य सरकार की जो गतिविधि है उसमें बढ़ोतरी, 3,500 रुपए की हमें जो है एक तरीके से मानदेय में बढ़ोतरी हुई थी, हमारी जीत हुई थी। उस समय जब हमारे 4,000 फिक्स हुए थे तो पूरे देश के अंदर कहीं भी आशा वर्कर्स को फिक्स मानदेय नहीं मिलता था, और ये 50% का जो पैटर्न हमने 2014 में लागू करवा लिया, ये तो आज भी पूरे देश के अंदर कहीं नहीं मिलता। पूरे देश की आशा आज महाराष्ट्र में हड़ताल है, जम्मू कश्मीर में हड़ताल है, अभी बिहार की आशा हड़ताल करके 1.5 महीना हड़ताल करके वापस गई है, दिल्ली की आशा हड़ताल पे है, अलग अलग राज्यों में हड़ताल है, आंदोलन है, और पूरे देश में एक ही नारा है कि जिस तरीके से जिस पैटर्न से हरियाणा की आशा वर्कर्स को मानदेय मिल रहा है वो पूरे देश के अंदर लागू किया जाए। आप जो है नंबर वन हो, आपने सबको रास्ता दिखाया है और आप जो मानदेय ले रहे हो ये भी नंबर वन तरीके से ले रहे हो। जब तक केंद्र सरकार से बढ़ोतरी होगी, अपने आप हमारे 50% में हरियाणा की सरकार को बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये तो हमने हासिल किया अपनी एकता और अपने संघर्ष के बल पे हासिल किया, ये हमें किसी सरकार ने किसी पार्टी ने परोस के नहीं दिया। हमने सड़कों पे नारे लगाए हैं, हमने अपनी एकता को अपने काम को समझा है और अपने अपनी मेहनत का किया हुआ जो मेहनत की है उसका मेहनताना मांगा है, तब जाकर के आज हम इस 6100 रुपए पे पहुंचे हैं। वो एक एक आशा बहन जो 50 रुपए से जिसने सफर किया और वो आज 6100 रुपए पे पहुंच गई, वो कितना आज खुश महसूस कर रही होगी अपने आप में, यह आप सबकी खुशी बता रही है। एकदम से जब हम कर्मचारी नहीं है, हमारी पॉलिसी वॉलंटियर की है, हमें सरकार किसी मजदूर की श्रेणी में नहीं मान रही है, हमारी मांग है मजदूर की श्रेणी में शामिल करे, उसके बाद हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं ना, एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी,
शुरू हुआ। अब हमारी मांग है कि सरकार हमें राज्यों में मजदूर माने और मजदूर मान करके आगे बढ़े, सरकार उस पॉलिसी को तोड़ दे और उस पॉलिसी को तोड़ करके ये काम स्थायी है। जब तक जनता रहेगी, जब तक बीमारियां रहेंगी, स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत होगी और जब तक स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत होगी तो इस हेल्थ के स्ट्रक्चर को चलाने के लिए आशा की भी जरूरत होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा काम स्थायी है, हम स्थायी कर्मचारी होने चाहिए। हम जो हम मांग कर रहे हैं वो मांग आज भी हमारी खड़ी है। ये बिल्कुल ठीक बात है, हमारी कुछ आशा बहने कह रही थी हमारा कुंभा बहुत बड़ा है, 21,000 आशा 22 जिले अपने कुंभे में कोई तो न्यूका कड़ा गी लूंगा, कोई न्यूका मलाई तो रोटी खाऊंगा, कोई न्यूके गुड़ते खाऊंगा और कोई न्यूका आलू गोभी की सब्जी तो खाऊंगा। और जो घर का मुखिया हो है वो इतनी सारी चीज नेरे नेरे तक लिया के दे सके के नहीं दे सकता, मान रही हो? फिर आपने मिली न्यारी न्यारी, अब तो सबके लिए बिल्कुल बढ़िया थी, स्वस्थ थी, पौष्टिक थी, वह मिली, वह मिली, वह मिली होगी। मैं अब आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमने ये उदाहरण है, हमने जो हासिल किया है आज 6100 रुपए, मतलब एक मुश्त 2100 रुपए जो बढ़ोतरी है वो 21,000 आशाओं के लिए बढ़ोतरी है। एक बार कैलकुलेशन करना, 21,000 आशाओं के लिए पूछ लो, 21,000 आशाओं के लिए कितना पड़ता है? हर महीने मिलेगी, आप हर महीने कहीं से घर में हर रोज काम करते हो, सारे काम करते हो और ये आपके साथ तो यह हो रही है महिलाएं हैं कि घर बार बेटी दे रहे हैं, दरे टके न छेड़िए ना, ठीक है सब कुछ मारा है हम करेंगे हम, लेकिन दरे टके नहीं छेड़ेंगे। आज अपने दिल पे हाथ रख के महसूस कीजिए कि ये 21,000 रुपए आज कैसे आपको महसूस हो रहे हैं। जब हम चले थे, हमने जब सफर शुरू किया था, हमें नहीं पता था हमें क्या मिलेगा, हमें अब भी नहीं पता था हमें क्या मिलेगा, लेकिन हमें ये पता था हमारा संघर्ष जायज है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये तो आप सबको पता होगा, पता था कि नहीं पता था? पता था भाई। हमने अब एक बार ये भी बता दो कि आप जो यहाँ पे दरी पे आए थे बिल्कुल इत्मीनान से सोच के कि आप किस बात को लेकर के दरी पे आके बैठे थे, किस बात से सबसे ज्यादा परेशान थे, एक बार बता दो। सबसे ज्यादा ऑनलाइन काम से, ठीक है, काम की नहीं, ऑनलाइन काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। आप लोगों ने जो है निर्णय किया, आप लोगों ने हमें फोन किए, हमें ये बताया हम परेशान हैं, हम ये ऑनलाइन काम नहीं करना चाहते। उस वक्त में सच सच बताना, मेरी कोई सी बहन 26,000 रुपए अपने मन में लेके आई थी? सच सच बता दो, 2100 लेके आई थी? उस योजना के अंदर उन
की आय की कोई सीमा नहीं होगी, चाहे 5 लाख हो, चाहे 7 लाख हो, चाहे 10 लाख हो। आप सबको परिवार समेत जो है इलाज की गारंटी मिल गई, तो वही फिर आज आप जो है थोड़ा माड़ा मन क्यों करे आपने? एक बार तो हमने भी जो है, हम जो उम्मीद ले रहे थे, हमारी जो मांग है वो फिक्स हो जाती है हमारे दिमाग में, वही हमने 26,000 चाहिए। एक मतलब चढ़ जाता है हमें, वो हो जाता है हमें, ये 26 चाहिए। तो यही हमारे साथ हो रहा था, हम ये भूल गए कि हम जो है कहां से शुरुआत हमने आंदोलन की थी। और यही सरकार है, यही आशाएं हैं, इसी सरकार ने आपकी फाइलों को 2 बार रिजेक्ट किया, 2 बार आपके मानदेय बढ़ाने की फाइल को रिजेक्ट किया इसी सरकार ने। इसी सरकार ने सरपंचों के आंदोलन को पीटा, उनको जो है लाठी डंडों से पीट करके और वापस घर भेज दिया। वहाँ जो है विधानसभा पे प्रदर्शन करने पे रोक लगा दी, ये कह दिया कोर्ट में जाके सरकार ने कि यहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। और आपने सरकार की उस धारा 144 को भी तोड़ा, आपने उसको तोड़ा। 28 अगस्त को याद करो, सरकार के पूरे हरियाणा की पुलिस आपको पकड़ रही थी और पकड़ नहीं पाई थी, कैसे आप जीत करके वहां पे पहुंचे थे? तो आप में जज्बा है, एक समझ है, एक विचार है, और सरकार को जो है हम जानते हैं कि सरकार को कैसे झुकाया जा सकता है। आंगनबाड़ी का आंदोलन हमारे बीच में है, वो हमारी ही बहने हैं आंगनबाड़ी में, उनका 4 महीने हड़ताल रही, उनके टर्मिनेशन हुए के नहीं हुए, 302 के मुकदमे तक दर्ज हुए। हमारी जो है आंगनबाड़ी की वर्करों को नौकरी से हटा दिया, कई महीनों तक नौकरी पे नहीं लगाया। हम जब आंदोलन में आए थे हमारा कुछ और मन था, जैसे हम आगे बढ़े तो हमारा कुछ जो है मांगे और हमारे साथ जुड़ करके आई, जिनको लेके हम लड़ रहे थे। 10 सूत्रीय मांग पत्र है हमारा, जिसमें सबसे पहली मांग पक्का होने की और मजदूर की श्रेणी में शामिल होने की है, ESIPF की है। ESIPF हमें पता है कि ये सरकार जो है नहीं दे सकती, हमारी स्कीम जो है केंद्र सरकार की है, हमें अगर कुछ देना है तो वो केंद्र की सरकार शुरुआत करेगी। हम तो जो है ये अपनी एकता और संघर्ष के बल पे हरियाणा की सरकार को झुका करके बार बार हम इससे ये मानदेय बढ़वाते रहे हैं, क्योंकि हम एक हैं, हमारी लड़ाई हमारी मांग बिल्कुल जायज है, और इन मांगों जायज मांगों को लेके हमने संघर्ष किया है। कल भी जब हम देख रहे थे ग्रुप में तो हमारी कुछ बहनें निराश हुई, मैंने बताया बड़ा कुंडवा कोई रूस जा कोई मन जा, फिर राजी बोले धमका लिया अपना जब मना लिया, वह रूस नाले भी मारे हैं, हम उन्हें किसी और के नहीं बताते, बस यह बात उसका है वह किसी और ने बुला दिया हो। फिर हमने यह भी अपने ऊपर यकीन है, हमने यह भी बेरा है, वो आशा है, आशा का काम करती है गली गली में, कैसे परेशान होती है, कितने काम उसके सिर के ऊपर है, और उसको जो है वो तमाम काम करके अपने काम के दाम मांगने हैं, तो उसको यूनिटी चाहिए, और वो स्वयं वो यूनिटी है जो आज नाराज है, उसको कल समझ में आ जाएगी। वो हमारी ही बहन है, वो कोई नाराज भी नहीं है, वो बेचारी से कुछ चीजें छूट गई होंगी, वो भ्रमित हो गई होगी, हम उसको समझा लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात है, दूसरा जो है अपना आंदोलन उस वक्त में हम जीते हैं जब हमारे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तमाम आंदोलनों को पीट रहे हैं। किसान आंदोलन का उदाहरण हर रोज आपके बीच में दिया होगा, आप उसमें शामिल रहे हो, 13 महीने तक किसान लड़े, फिर भी जो सरकार ने कानून बनाए थे वो कानून केवल रद्द किए, MSP की गारंटी की जो बात थी वो लड़ाई वो संघर्ष आज भी खड़ा हुआ है, आज भी किसान जो है संघर्ष कर रहे हैं। सब चीजें एक बार नहीं मिल जाती, और अपनी जो यूनियन है, अपनी यूनियन रजिस्टर्ड यूनियन है, और ये रजिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं मिलता, उसका संविधान होता है, और उस संविधान में कुछ चीजें लिखी हुई होती है,
करना होता है। और हमारा संविधान कहता है कि जो मिल रहा है उसको लो, अपनी जेब में डालो और अगले संघर्ष की मजबूती के साथ तैयारी करो। तो हमने अपनी यूनियन के सिद्धांत से अपनी जो है इस मांग को जो मांग रहे थे वो हमें नहीं मिला, लेकिन जो मिल गया हमने वो स्वीकार किया है। और हम जो है बहुत खुशी से भी स्वीकार नहीं करके आए। आप सबने देखा होगा हम जो है सरकार से ये कह रहे थे कि हमें 8,000 रुपए फिक्स दे दो, हम 8 से कम तो कोई बात नहीं पड़ती। सरकार कह रही थी कि हम आशा को 8,000 रुपए नहीं दे सकते, आप इंसेंटिव में बढ़ोतरी करवा लो, लेकिन हमें पता है कि वो हमारी बहुमत आशाओं को बढ़ोतरी नहीं मिलती। किसी की गांव के स्तर पे पॉपुलेशन 500 है, किसी की 700 है, किसी की 800 है। शहरों में रहने वाली जो बहने हैं किसी की 1500 है और किसी की 2000 है, कोई 4000 5000 पे भी काम करती है। इसलिए हमारा बैलेंस बिगड़ जाता, हम फिक्स मानदेय पे अड़े रहे। हमने कहा कि हमें बिल्कुल एक जैसा मानदेय चाहिए, हमें 21,000 आशाओं के लिए एक जैसी बढ़ोतरी चाहिए। इस बात के लिए जो है 5 बार वार्ता हुई सरकार से और 5वीं बार में भी हम कोई खुश नहीं हुए। हमारी मांग फिर भी रह गई, हम 8,000 मांग रहे थे कि 4 को डबल कर दो और 8,000 दे दो। सरकार ने जो है इनका पढ़ाया है ग्रामीण चौकीदारों का, मिड डे मील का पढ़ाया है, लेकिन उनके मानदेय जो है बहुत कम है। और जब हम उनको अपने मानदेय के साथ आकलन करते हैं तो वो हमारे बराबर ही बढ़ करके आज आए हैं, अभी वो उनको मिलना भी शुरू नहीं हुए। सरकार ने तमाम देश के अलग अलग राज्यों की स्टडी की और उस स्टडी के हिसाब से आज भी आप मानदेय में नंबर 1 की पोजीशन में खड़े हुए हो। आज भी जो है आपको नंबर 1 ही मिला है। आज जो मिला है वो काफी नहीं है, वो नाकाफी है, वो हम सब की नाराजगी है। अब महंगाई कितनी बढ़ गई, हमारे काम कितने बढ़ गए, उसके हिसाब से मिलना क्या चाहिए था, वो तमाम पक्ष हमने सरकार के सामने रखे हैं। मजबूती के साथ आपकी पैरवी की है, बल्कि एक एक आशा ने जो है धरना स्थलों पे अपनी पैरवी स्वयं की है। और सरकार को समझ में आया हुआ था कि कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो जो है बात नहीं बनेगी। और जो आपने 46वें दिन सरकार ने आपसे वार्ता शुरू की, 40 दिन तक तो सरकार बोली नहीं, सदमे में थी सरकार। जो सरकार यूं सोच रही थी कि आशा तो ठिकाने लागी, वह जब 40 दिन तक पंजे तान के लड़ी तो सरकार क्या समझ मांगी, ये कितनी गई, ये वो लाल झंडा ले रही है, ये समझौते के बिना वापस नहीं जाएंगी। इसलिए सरकार को टेबल पे आके बात करनी पड़ी। और आपके जो है पूरे देश के अंदर आपके मानदेय को देखा गया, किस राज्य में कितना मिलता है और कैसे कैसे वहाँ पे उनको वो मानदेय दिया जाता है आशाओं को, आप आज भी वो नंबर 1 है। किसी भी राज्य में 50% आशा को नहीं मिलता। सरकार तो ये चाहती थी कि ये 50% खत्म कर दिया जाए और आपको ये 6,000 रुपये दे दिए जाए। तो सरकार ने तय करके रख रखा था, ले लेने चाहिए थे, ये फिक्स में बढ़ोतरी नहीं करवाते, इंसेंटिव में बढ़ोतरी करवा देते, ले लेनी चाहिए थी। आप अपना पक्ष रखते हो तो सरकार का भी कोई पक्ष होता होगा। जो अधिकारी जो पॉलिसी ये कहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा काम लो, कम से कम दाम लो, उसके भी तो कोई तर्क होते होंगे। और वो तर्क कैसे तोड़े जाते हैं और उनको तोड़ करके कैसे पटरी पे लेके आया जाता है, ये आपकी जो है कमेटी पहले से समझती थी। हमने जो भी निर्णय लिया है वो तमाम आशाओं की सहमति से लिया है। वो एक बात है कि वो जब सहमति हो रही होगी वो हो सकता है हमारी कुछ बहने मौजूद ना हो। ये बहुमत आशाओं की भावना थी कि हमारे 4 से 8,000 हो जाए, बस फिक्स में बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमारा डबल हुआ है। केंद्र सरकार को राज्य की सरकार ने 1500 रुपए का प्रपोजल भेजा है। 2018 में हमारे जो है मानदेय पड़े थे 1008 एक्टिविटी में पड़ा था, वो 1000 रुपए के अंदर ने बढ़ाए थे, वो अब जो है चुनाव का मौका है। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो मानदेय दोबारा ना बढ़ाए जाए, वो मानदेय दोबारा बढ़ाए जाएंगे।
केंद्र सरकार के पास हरियाणा की सरकार ने प्रपोजल भेज दिया, वहाँ पे चिट्ठी भेज दी, वहाँ पे अपनी तरफ से आपकी सिफारिश भेज दी मुख्यमंत्री ने, और फिर भी जो है यहाँ जो सरकार दे सकती थी उसमें जो है सरकार ने वो आपको दिया है, फिर हमने ना खुश होकर स्वीकार किया है। स्वीकार इसलिए करना पड़ता है, कोई आंदोलन अनंत नहीं होता, सीमाएं होती हैं। मैं पूछ रही हूँ, मैं अब आपसे पूछ